क्लास 9 का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास, ये आर एस अग्रवाल का मैथ है। यहाँ पे कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यहाँ पे इसको डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले लाना है और उसके बाद हमें बतलाना है कि वो किस तरह का एक्सपेंशन है, किस तरह से, किस रूप में वो व्यक्त हो रहा है, किस रूप में वो व्यक्त हो रहा है। तो इसको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर आपको दो तरह का नंबर मिलेगा, एक टर्मिनेटिंग मिलेगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रिक्वायरिंग होगा, क्योंकि नॉन रिक्वायरिंग नंबर अभी आपको नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि नॉन रिक्वायरिंग नंबर होने के साथ ही वो इरेशनल नंबर में आ जाएगा। इसीलिए पहले आपको यहाँ पर पहले बतला दिया गया है वो किस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में बतलाया गया है, जैसे इसको जो है डिवाइड किया गया है तो पॉइंट के बाद 1 to 5 में जाके ख़त्म हो जा रहा है। तो ये जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, ये इतना पे समाप्त हो गया है। और ये जो है यहाँ पे आपको 2 नंबर का जो है एग्जांपल दिखाया गया है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका 18 18 18 इस तरह से चलते चला जा रहा है, वो चलता ही रहेगा। तो इस तरह का नंबर जो होता है इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग कह सकते हैं या रिपीटिंग कह सकते हैं, दोनों वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से इन सब का जवाब देना है। तो आइए सॉल्व करके मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है दिया हुआ है 5/8। तो इसको बनाने में आपको थोड़ा समय लगेगा और मेहनत लगेगा। तो यहाँ पे जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 8 हो गया और 5 को डिवाइड कर, 8 से 5 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको जगह रखना है, जगह रखना है क्योंकि ये बड़ा है। सबसे पहले हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो हमें 1 0 मिलेगा। अब ये बड़ा नंबर हो गया है, अब जो हम इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो 8 कितने बार में हो गया, 8 6 48, तो 8 6 48 हुआ। तो यहाँ पे 6 बार में जा रहा है 48, तो यहाँ बच गया कितना, 2 कट गया। अब पॉइंट से इसको 1 0 मिलेगा, तो 8 2 16 हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 16 4 बच गया। अब जो है यहाँ पर ये कट गया है, तो 1 0 यहाँ पर मिलेगा, 8 5 40। अब कम्प्लीटली ये कट गया, तो इसका आंसर आया 0.625। इसका मतलब है कि ये किस रूप में व्यक्त हो रहा है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग, पूरी तरह से ये कट जा रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग हो गया, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 7/25, इस तरह से इसको भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 25 और 7 लेते हैं, तो यहाँ जगह रखना है आपको क्योंकि ये नंबर छोटा है। सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 0 मिलेगा। अब यहाँ पे 50 और 75 हो जाएगा 3 बार में, तो 2 बार में जाएगा 50 बच गया 20। अब जो है 20 छोटा हो रहा है, तो इस पॉइंट से 1 0 मिलेगा। 25 4 100 होता है, तो 8 बार में 200 हो जाएगा, मतलब 8 बार में 200 हो गया, कम्प्लीटली ये कट गया। तो ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.28। और इसको भी हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग, ये हो गया और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 3, तो 3 में दिया हुआ है 3/11। यहाँ पे अब इसको हम डिवाइड देते हैं, यहाँ पे 11 से देंगे 3 को 3, तो जगह रखना है, 0 पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया, 0 मिल गया। उसके बाद 11 जो है वो कितने बार में जाएगा, 2 जा 22, तो बच गया कितना, 8 कट गया, 0 मिला हमें। तो 11 7 जा 77 हो रहा है, 77 फाइनली हमें क्या मिला, यहाँ से 3 मिलेगा, 3 कट गया, फिर 1 0 इस पर आएगा, तो फिर से हमें 11 2 जा 22 फिर मिल जाएगा, यहाँ पे 8 कट गया, फिर इससे 1 0 मिला। इसका मतलब है कि फिर ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में 7, मतलब 2 7 2 7 इस तरह से इसमें चलता जाएगा, 2 7 2 7। तो फाइनली इसका जो है आंसर हो जाएगा 0.27। और 27 हमें और लिखना नहीं है, इस पर हम बार लगा देंगे ऊपर में, इस तरह से लगा देंगे। इसका मतलब है कि 2 7 2 7 चल ही रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग, ये लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग हो जाएगा, मतलब रिपीट हो रहा है ये रिक्वायरिंग, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 5/13, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 13,
13 से हम 5 को डिवाइड करते हैं, 5 जगह रखना है क्योंकि एक जीरो यहाँ लेना है, जीरो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ मिलेगा। अब 13 का टेबल पढ़ना है, 3 26 3 39 3 52, 4 बार में 52 जा रहा है, 3 बार में लेंगे तो 39, यहाँ पे 10 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, और 4 3 तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे हमें एक जीरो मिला। तो 13 का टेबल फिर पढ़ना है, 13 8 जा 104, 4 मतलब 6 कट गया ये, और यहाँ पे एक जीरो मिला, 53 53 52 53 65 53 52, 4 बार में जा रहा है 52, तो कितना बार हो गया ये यहाँ पे 8 आ गया, ये कट गया, फिर एक जीरो इस पर आया, कितना बार में जाएगा, 53 53 52 53 65 53 78, 6 बार में जा रहा है ये, ठीक है 6, तो 70 78, यहाँ पे बच गया 2, खत्म हो गया, अभी रिपीट नहीं हुआ अभी तक, तो यहाँ जीरो हो गया। अब यहाँ पे आएगा 1, ठीक है 1 यहाँ ले लेते हैं, तो 13 जाएगा 13, अब यहाँ पे बच गया 7, रिपीट हुआ अभी तक, रिपीट नहीं हुआ। अब जो है यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा 70, अब जो है यहाँ पे कितना बार बजेगा, 53 53 52 53 65 65, यहाँ पे आ गया 5 5 आ गया, यहाँ कट गया, और यहाँ पे आ गया फिर से 0, तो फिर ये फिर 3 बार में जाएगा, ये 50 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 50 है और ये 50 यहाँ पे आया, मतलब इतना बार ये रिपीट हुआ, कितना बार रिपीट हुआ, 0.384615, तो इस पे हम लगाएंगे बार इतना 38 46 15, तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू देते हैं और 0.38 46 और 15 पे लगेगा एक बार, और ये बार बार रिपीट होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे नन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 5 नंबर, इसमें दिया हुआ है 11 by 24, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्योंकि ये लंबा जा सकता है, यहाँ पे 24 और ये 11 हो गया, तो इस पर जगह रखते हैं, 0 पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक जीरो लगा दिए, तो 24 ये कितने बार में जाने वाला है, 24 2 48 72, 3 बार में जा रहा है, और 4 बार में चेक करना होगा, 2 4 4 4 4 जा 16 हो गया, 1 बच गया 6 1, 4 2 जा 8 हो गया, और 1 9 हो गया 96, तो इतने बार में जाएगा, सबसे पहले 4 बार में हम ले जाते हैं इसको, 96, तो बच गया 10, और 4 14 हो गया, 14 ये कट गया, अब यहाँ पे 0 आ गया, अब ये कितना बार में जाएगा, नेक्स्ट 5 बार में हम जाते हैं, तो यहाँ पे 24 को हम 5 से चेक करेंगे, 5 4 जा 20 हो गया, 0 2 बच गया, 5 2 जा 10, 2 12 हो गया, 120 आ रहा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, मतलब कितना बार में गया, 5 बार में, ठीक है, तो 120, तो यहाँ पे बच गया 20, कट गया ये, फिर से एक जीरो मिला, अब इससे ज़्यादा जाएगा, तो कितने बार में गया था, 5 बार में 120 मिला था, यहाँ पे 12 4 6 8 10, मतलब लगभग 8 बार में चेक करते हैं, 24 8 8 4 जा 32 3 8 2 जा 16 17 18 19 192, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कितने बार में गया, 8 बार में, तो 192 बचा कितना, 8, यहाँ पे ये कट गया, इस पे आ गया एक जीरो, तो 24 3 बार में 72 आता, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 72, तो यहाँ पे बच गया 8, अब यहाँ पे ये कट गया, तो फिर जो है इस पे 0 आ जाएगा, मतलब अब रिपीट क्या हो रहा है, फिर 3 बार में जाएगा, मतलब 3 3 3 रिपीट होते रहेगा इसमें, इस तो यहाँ पे फाइनली इसका जो आंसर आया 0.458, उसके बाद जो 3 आया ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इसका आंसर यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 0.458458, और ये 3, और इस पे बार लगा देंगे क्योंकि अब 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे नन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 261 by 400, तो इसको यहाँ पे तो जगह होगा नहीं, इधर करते हैं, यहाँ पे 400 ले लेते हैं, 400 और 261, मतलब इस पे एक जीरो लगाएंगे, या 0.2
लगा देते हैं, और फिर ये कितने बार में जा रहा है, फोर का टेबल पढ़ना होगा, फोर मतलब ये चारों डिजिट को लेना है, तो कितना हो रहा है, 14, 16, 24, 28, 4, 6, 24, 6 बार में जा रहा है, ठीक है, 24 आ रहा है, 4, 6, 24, पे 00 आ जाएगा, तो बच कितने गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, ये 6, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक 0 आएगा, तो 4, 4, 5, 20 हो रहा है, तो यहाँ पे 20 दे देते हैं, बच कितना गया, 100, फिर इस पर एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4, 2 जाए 8, 2 बार में जाएगा, 8, 8 मतलब 800 हो गया, अब यहाँ पे 200 बच रहा है, कट गया ये, अब यहाँ पे एक 0 आ गया, तो 4, 5 जा 20 होता ही है, 5 बार में ये कम्प्लीटली कट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये कम्प्लीट कट गया, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसको 0.6525, इस पर ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली टर्मिनेटिंग, ये कम्प्लीट हो गया ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें 7 पार्ट में, 231/625, तो यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा 625, सभी को रफ करके बनाने से क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, 231 बनाना ही होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देते हैं, और 6 का टेबल पढ़ना होगा, 6, 12, 18 मतलब 3 बार में जाने की संभावना है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 3 से 625, 3 तो 5, 3 जा 15 हो गया, 1 बच गया, अब जो है 3, 2 जा 6, 1, 7 हो गया, 6, 3 जा 18, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, 6, 12, 18, 6, 24, 24, इससे ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब 3 बार में ही जाएगा, तो 18 हो गया यहाँ पे, 75 इसको माइनस करेंगे, 5 हो गया यहाँ, और यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ से कैरी, और यहाँ पे हो गया 10, 7, 3, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ से कैरी 12, 8, तो यहाँ पे 4 हो गया, अब यहाँ तो 0 हो गया, एक 0 यहाँ पे मिलेगा इसको, तो 6, 12, 18, 6, 24, 36, 36, 37, 42, 7 बार में 42 आ रहा है, 6, 7, 42, तो ये संभावना है 7 बार में या 6 बार में, 625 को हम 7 से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 7, 5 जा 35, 3 बच गया, 7, 2 जा 14, 15, 16, 17, 1 बच गया, 42 हो गया, 7, 6 जा 42, और 1, 43 हो रहा है, 43 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार में जाएगा, 6 यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 बार में ये 5, 6 जा 30 हो गया, 0 ले लेते हैं यहाँ पे, 30, 3 बच गया, 6, 2 जा 12, 12 और 3, 15 हो गया, 1 बच गया, अब 6, 6 जा 36 और 1, 37 हो गया, यहाँ पे 37 ये माइनस कर देते हैं, 0, 0 और यहाँ पे 13 हो गया, 13 में 7 तो 6 बचेगा, ये कट गया 600, फिर अब जो है इसको एक 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे 60 कितने बार में जाएगा, 8, 9, तो 9 बार में चेक कर लेते हैं, 6, 25, 9, 9, 5 जा 45, 5, 4, 9, 2 जा 18, 18 और 4, 22, 2 बच गया, 9, 6 जा 54, 56, इतने ही बार में जाएगा 9, तो यहाँ 56 हो गया और 25, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 9, 2, तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 और यहाँ पे 9, 6, 3 और यहाँ पे हो गया, कट गया ये, फिर यहाँ पे 0 आ गया, अब ये कितने बार में जाएगा, 6, 6, 6, 6, 36, 36 बार में जाने की संभावना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6, 6, 5 जा 30, 30 हो गया, 3 बच गया, 12 हो गया, 12 और 3, 15 हो गया, 5, 1 और 6, 6 जा 36 और 1, 7 हो गया, तो मतलब 37, 37 मतलब कितने बार में जा रहा है, 6 बार में, 6 बार में एक बार गया था यहाँ पे, तो 37 कम्प्लीटली ये कट गया, यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे 6 बार में, तो यहाँ 6 दे देते हैं, इसका आंसर हो गया 0.3696 और टर्मिनेट हो गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग, यही इसका आंसर है, इसमें लगेगा आपको टाइम और मेहनत लगेगा काफ़ी, तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे 8 में दिया हुआ है, लास्ट है ये, यहाँ पे दिया हुआ है 2 and 5/12, इसको सीधा कर लेते हैं पहले, इसको 12, 2 जा हो गया 24, 24 और 5, 5, 29 हो गया,
29/12 हो गया, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 12 29, तो ये तो बड़ा है, तो 12 24 हो गया, 2 बार में जा रहा है, 24 5 बच गया, अभी तो 1 0 मिलेगा इसके, 48 48 48 4 बार में जा रहा है, 2 बच गया, ये कट गया, अब जो है इसमें 0 आ गया, फिर जो है 12 12 24 24, तो मतलब 1 बार में ही जाएगा, 12 8 बच गया, अभी ये कट गया, यहाँ पे 1 0 मिल गया, 60 62 74 72, मतलब 12 6 72 आ रहा, 12 6 72 बच गया, कितना 8 बच गया, 8 तो यहाँ पे कट गया, फिर 0 आ जाएगा, तो मतलब फिर 6 बार में जाएगा, ये 6 बार फिर 72, मतलब 6 अब रिपीट होता ही रहेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और रिपीट मतलब 6 पे हम बार लगा देंगे, तो हमें 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो है आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया इक्वल टू 2.41616 पे बार लगा देंगे, और ये है नन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है, रिक्वायरिंग हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग।